हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम भी जान सकें कि हमारी वीडियोस कितने ज्यादा लोगों को पसंद आ रही हैं। इसके अलावा मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस में जरा भी कमी लगे तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आगे की वीडियोस में वैसा ही इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब और ज्यादा देर ना करते हुए चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि ज़ियान चैन ज़ुई को लेकर घोस्टफायर केव में जा पहुंचता है, जहां पर वो घोस्टफायर से उसकी कुछ फ्लेम्स मांगता है, जिस पर वो ज़ियान चैन पर चिल्लाते हुए उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है और उसे फ्लेम देने को भी मना कर देता है। इतना ही नहीं, वो किसी भी प्रकार के नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होता है। इस पर अब ज़ियान चैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो ज़ुई की जान बचाने के लिए उस घोस्टफायर से ही भिड़ जाता है और वो एक ही अटैक में उसको हरा देता है, जिसके साथ ही वो उसका एक फायर एसेंस भी ले लेता है। उसका ये फायर एसेंस उसका मेन एसेंस होता है। अब जैसे ही घोस्ट फायर ये देखता है कि उसका सबसे पावरफुल एसेंस ज़ियान चैन ने ले लिया है, तो वो तुरंत ही छोटा हो जाता है और फिर ज़ियान चैन को समझाने लगता है कि उसे वो फायर लौटा देनी चाहिए। वो चाहे तो उसे कितनी फ्लेम्स देने के लिए रेडी है, जिस पर अब ज़ियान चैन मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही इससे पोलाइटली मांगा था, लेकिन उसने बदतमीजी देकर ज़ियान चैन को मना कर दिया था। इस पर अब घोस्ट फायर उसे समझाने लगता है कि अगर तुमने इस फायर एसेंस को इस लड़की के अंदर डाला तो इस लड़की की बॉडी तुरंत ही ब्लास्ट कर जाएगी और फिर ये बेफालतू में मारी जाएगी, जिस पर ज़ियान चैन उसे चुप कराते हुए कहता है कि तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहते ही वो घोस्ट फायर के उस एसेंस को ज़ुई के अंदर डाल देता है, जिस पर घोस्ट फायर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान आज तक नहीं देखा। जब तुम जानते हो कि ऐसा करने पर तुम्हारी दोस्त मर सकती है, उसके बावजूद भी तुमने उसके अंदर मेरा एसेंस डाल दिया। मेरा एसेंस तो तुम्हारे कारण बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम बाद अपनी पावर फिर से रीगेन कर लूंगा, लेकिन अब तुम अपनी दोस्त की खैर मनाओ क्योंकि वो तुम्हारी वजह से मरने वाली है। इस पर ज़ियान चैन अपनी फायर को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, ना ही तुम्हारा फ्लेम एसेंस बेकार जाएगा और ना ही मेरी फ्रेंड की जान जाएगी। इतना कहते ही वो अपनी फायर को ज़ुई की बॉडी में इंसर्ट कर देता है। उसके ऐसा करते ही घोस्ट फायर का एसेंस धीरे धीरे करके सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ज़ुई की बॉडी से आइस निकलने लगती है और उसके चारों ओर एक आइस फिनिक्स क्रिएट हो जाती है। वहीं हम गुफा के बाहर घोस्ट किंग लॉर्ड को देखते हैं, जो कि ज़ुई और ज़ियान चैन के लिए चिंता कर रहे थे क्योंकि 6 घंटे बाद भी वो लोग अभी तक बाहर नहीं आए थे। तभी उनके पीछे एक आदमी आता है और वो हंसते हुए हमारे घोस्ट किंग लॉर्ड को डुगू कहकर बुलाता है, जिनका नाम टियान ज़ेंग होता है, और ये हमारे घोस्ट किंग लॉर्ड के काफी अच्छे फ्रेंड होते हैं और एक दूसरे से मिलकर ये लोग काफी खुश होते हैं। जिस पर अब घोस्ट किंग लॉर्ड उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ दोबारा से आए हो, इसका मतलब है कि तुम फायर बॉडी कल्टीवेशन फार्मूला को फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हो, क्यों सही कहा ना? जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि तुमने सही कहा, अगर मैंने उसे हेवन लेवल फायर को कल्टीवेट कर लिया तो मेरी प्रोग्रेस पहले से भी तेज हो जाएगी। खैर मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उन्हें बताते हैं कि ज़ुई काफी लंबे समय से बीमार थी और लकीली मुझे एक लड़का मिला जिसने मुझे बताया कि वो उसे बचा सकता है और उसने कहा कि घोस्ट फायर केव के अंदर की फायर से उसे क्योर किया जा सकता है, इसीलिए वो उसे अंदर लेकर गया है और मैं यहाँ बैठकर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर टियान ज़ेंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, वो घोस्ट फायर टॉप क्लास हेवी लेवल फायर है, उसका एक फ्लेम भी किसी को राख में बदलने के लिए काफी होता है और तुमने बिना सोचे समझे ज़ुई को उसके साथ भेज दिया। तुम जानते भी हो कि जब भी मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ तो बाहर की तरफ ही मैं रुक जाता हूँ और वो भी 15 मिनट से ज्यादा मैं वहाँ खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ, उसके बाद मुझे वापस आना पड़ता है और तुमने लोगों को अंदर भेजकर इन्हें मौत के मुंह में ढकेल दिया है। तभी घोस्ट किंग लॉर्ड ने बीच में रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सही कहा कि तुम वहाँ 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाए? इस पर वो हाँ कहते हैं। तो ये बात सुनते ही घोस्ट किंग लॉर्ड अपना माथा पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर टियान ज़ेंग उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, जिस पर उन्हें बताते हैं कि तुम वहाँ सिर्फ 15 मिनट नहीं टिक पाए, लेकिन मेरी बेटी उस लड़के के साथ तो 6 घंटे से अंदर है। 6 घंटे का सुनकर टियान ज़ेंग के होश उड़ जाते हैं और फिर वो खुद को शांत करते हुए घोस्ट किंग लॉर्ड को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि डुगू अब तो अपनी इच्छाओं को त्याग दो, यानी कि अपनी बेटी के वापस आने की जो इच्छा है उसको खत्म कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो लोग कभी वापस आने वाले हैं। इस पर अब घोस्ट किंग लॉर्ड भी समझ जाते हैं कि ज़ुई और ज़ियान चैन दोनों ही अंदर केव में खत्म हो चुके हैं, इसीलिए वो कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं और फिर वो इन दोनों का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक से केव में कुछ हलचल सी होती है और वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के साथ ही ज़ियान चैन ज़ुई को अपनी गोदी में लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और सीधे घोस्ट किंग लॉर्ड के सामने लैंड करता है। अपने फादर को देखकर ज़ुई सीधे भागते हुए उनके पास जाती है और घोस्ट किंग लॉर्ड भी अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसके पास आ जाते हैं और उसे बड़े ही प्यार से टच करते हुए कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, और फिर वो उसे टच करते हुए देखते हैं कि उसके अंदर की बीमारी यानी कि वो कोल्डनेस अब उसके शरीर से बाहर जा चुकी है और ज़ुई पहले की तरह ही हंसती खेलती बच्ची बन गई है। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेते हैं। तभी टियान ज़ेंग ज़ियान चैन से कहते हैं कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लोगों ने वहाँ सर्वाइव कर लिया, क्या तुम लोगों का सामना ब्लैक फायर से नहीं हुआ था? जिस पर तभी ज़ुई अपने हाथ में
ब्लैक फायर को अपीयर करते हुए कहती है कि कहीं आप इसकी तो बात नहीं कर रहे अंकल। जैसे ही टियान जियोंग जुई के पास इन्फर्नो घोस्ट फायर को देखते हैं तो ये देखकर उनके होश छुड़ जाते हैं और घोस्ट किंग लॉर्ड भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि उनकी बेटी ने घोस्ट फायर को रिफाइन कर लिया है। अब चूंकि घोस्ट फायर को जुई ने रिफाइन कर लिया था जिसे टियान जियोंग भी रिफाइन करना चाहते थे, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि तुमने इसे किस तरीके से रिफाइन किया। अगर तुम मुझे वो मेथड बता दोगी तो इसके बदले में तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस पर जुई भी बड़ी मासूमियत से कहती है कि जितना मुझे याद है जब मैं सोके उठी तो ये मेरे पास ऑलरेडी थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। जुई के जवाब को सुनकर वो बुरी तरीके से निराश हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें समझ में आ चुका था कि जुई को नहीं पता है कि उसने किस तरीके से इसे रिफाइन किया है। तभी घोस्टिंग लॉर्ड जियानचन के सामने घुटनों पर आ जाते हैं और उसे अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए उसे शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी की जान बचाई थी, और फिर अपना माथा जमीन पर पटकते हुए कहते हैं कि हमारी सिटी से तुम्हें जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम सभी तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी रहेंगे। इस पर जियानचन तुरंत ही उन्हें उठाने लगता है और कहता है कि आप एक लॉर्ड हैं और आप मेरे सामने इस तरीके से झुके, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी जुई मेरी फ्रेंड है, उसके लिए जो भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था। इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड कहते हैं कि जियानचन तुमने मेरी बेटी की जान ही नहीं बचाई बल्कि तुमने उसे वो इन्फर्नो घोस्ट फायर भी गिफ्ट की है, इसलिए तुम्हारे सामने ग्रेटिट्यूड पेश करना तो बनता है। अब जैसे ही टियान जियोंग को ये पता चलता है कि जियानचन ने जुई को वो घोस्ट फायर दी है तो वो भी जियानचन के सामने घुटने टेक देते हैं और फिर एकदम बेशर्मों की तरह कहते हैं कि यंग जेंटलमैन प्लीज मुझे भी बताओ कि तुमने उस घोस्ट फायर को किस तरीके से रिफाइन किया है, इसके एक्सचेंज में तुम जो भी चाहो उसे ले सकते हो। अपने दोस्त को जियानचन के सामने घुटने टेका हुआ देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं और वो मन ही मन कहते हैं इस कमीने ने तो कभी किसी के सामने सिर भी नहीं झुकाया, लेकिन आज ही अपने मतलब के लिए जियानचन के सामने घुटने पर आ गया। जियानचन इन्हें ऐसा करता हुआ देखकर इन्हें भी उठाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, जिस पर वो मना कर देते हैं और जिद पर जाते हैं कि जब तक जियानचन उन्हें रिफाइनिंग का मेथड नहीं बता देता है तब तक वो उठने नहीं वाले हैं। उन्हें इस तरीके से जिद करता हुआ देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड उन पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि टियान जियोंग क्या तुम पागल हो गए हो, जियानचन को तुम परेशान क्यों कर रहे हो, चुपचाप खड़े हो जाओ। लेकिन जब टियान जियोंग इस पर भी खड़े नहीं होते तो घोस्ट किंग लॉर्ड खुद ही हार मान जाते हैं और फिर जियानचन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उसे उस कल्टीवेशन मेथड का तरीका बता दे, मतलब वो कल्टीवेशन मेथड जिससे वो उस घोस्ट फायर को रिफाइन कर सके, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और जब तक ये तुमसे वो फॉर्मूला जान नहीं लेता है तब तक ये अपने घुटनों पर ही बैठा रहेगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो तुम इसके बदले इससे कुछ भी मांग सकते हो। जियानचन कुछ बोल पाता उससे पहले ही जुई आ जाती है और वो भी उसका हाथ पकड़ते हुए उसके अंकल की हेल्प करने के लिए बोलती है। इस पर अब जियानचन एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए जुई के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे गलत समझ लिया, अगर सच में मैं किसी तरीके को जानता होता, कोई मेथड मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों के साथ जरूर शेयर करता, लेकिन मुझे सच में घोस्ट फायर को रिफाइन करने का तरीका नहीं पता है। ये बात सुनते ही दोनों के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि वो बड़े ध्यान से जियानचन को सुन रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अभी उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज्यादा शौक तो टियान जियोंग को लगता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जियानचन को पता है कि उस हेवन लेवल फायर को किस तरीके से रिफाइन करना है, लेकिन वो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि जियानचन ने किसी के लिए उस फायर को रिफाइन भी किया, इसके बावजूद भी जियानचन कह रहा है कि उसे नहीं पता। इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड थोड़ा सोचते हुए कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है कि जिसके पास भी हेवन लेवल फायर होती है वही इंसान सिर्फ दूसरे के लिए इस फायर को रिफाइन कर सकता है, और फिर जियानचन से कहते हैं कि अगर तुम इसे अरेगर इंसान को नहीं सिखाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो, मैं टियान जियोंग को यहां से लात मार के भी निकाल दूंगा और फिर तुम मुझे बता देना। इस पर जियानचन अपना खोपड़ा पकड़ते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं जो भी जानता हूं मैं वो आपको बता सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई भी मेथड नहीं है। इस पर वो दोनों खुश जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि वो मेथड कौन सा है। अब जियानचन उन्हें सब कुछ बताना शुरू करता है कि जब वो वहाँ पर गया था तो इन्फर्नो घोस्ट फायर ने उसे अपनी फ्लेम देने से मना कर दिया था, जिस पर जियानचन ने अपनी ग्रेट मार्शल पावर्स का यूज करते हुए इन्फर्नो घोस्ट फायर को एक पंच मार दिया था, और जब वो ज्यादा कर रहा था तो इसीलिए जियानचन ने उसके एसेंस फ्लेम को भी सीज कर दिया, जिसके बाद उसने उसकी फायर को सप्रेस करते हुए जुई के अंदर इंसर्ट कर दिया था, जिसमें उसे किसी प्रकार के कोई भी मेथड की जरूरत नहीं पड़ी थी। इन सब बातों को जानकर घोस्ट किंग लॉर्ड थोड़े से परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहीं इससे जुई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जिस पर जियानचन उन्हें इंश्योर करते हुए कहता है कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, जुई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी टियान जियोंग भी जो कि काफी हैरान होते हैं वो अपना माथा पकड़ते हुए कहते हैं कि ठीक है मैं एडमिट करता हूँ कि ये भी एक कोई तरीका हो सकता है हेवी लेवल फायर को कंट्रोल करने का, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे औकात से बाहर है। जिस पर घोस्ट किंग लॉर्ड उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जियानचन के पास झूठ बोलने का कोई भी रीजन नहीं है, इसका मतलब जियानचन ने जो भी कहा है वो सोच समझ के और सच ही कहा है। और फिर वो जुई और जियानचन के साथ वहाँ से जाते हुए अपने दोस्त यानी कि टियान जियोंग को बाय बाय करते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम चाहो इन्फर्नो घोस्ट फायर तुम्हारे लिए हाजिर रहेगी, यानी कि वो ये बता रहे थे कि तुम जब भी चाहोगे तब आ जाना, जुई के पास इन्फर्नो घोस्ट फायर है, तुम चाहो तो टेम कर सकते हो। भाई ये टेम नहीं, उसको टीस मारना होता है, जो कि टियान जियोंग समझ जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आती है।
अब ये सीन सीधे शिफ्ट होता है और फिर हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर घोस्टिंग सिटी के एंट्रेंस गेट पे हम देख पाते हैं कि ये लोग खड़े होते हैं, क्योंकि अब जियान चैन यहां से जाने वाला था, जिस पर घोस्टिंग लॉर्डों से रुकने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी कुछ दिन और रुक जाओ। और जुई भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुक जाना चाहिए, क्योंकि घोस्टिंग फॉरेस्ट में ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग प्लेस हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस पर जियान चैन आगे बढ़ते हुए सभी को समझाता है कि वो यहाँ जुई के लिए आया था और अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, तो अब उसे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ बुरा हुआ है। कई दिनों से उसकी फैमिली की तरफ से उसे कोई भी मैसेज नहीं आया है, इसलिए वो जाकर देखना चाहता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। जियान चैन की इस बात पर घोस्टिंग लॉर्ड भी उसकी बात समझ जाते हैं कि उसका जाना कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो उसे बेस्ट ऑफ लक करते हुए अपने गार्ड को जियान चैन को सेफली बाहर तक छोड़ने के लिए कह देते हैं, जिस पर गार्ड भी उनकी बात मानते हुए जियान चैन को वहाँ से ले जाने लगते हैं और जियान चैन गुड बाय और टेक केयर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट होना स्टार्ट होता है, तभी जुई भागकर उसकी तरफ जाती है और जियान चैन से चिल्लाकर कहती है कि प्लीज मुझे भूलना मत और जल्दी वापस आना। इसी के साथ जियान चैन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है, लेकिन वहाँ से उसके जाते ही जुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शर्माते हुए रोना शुरू कर देती है। मतलब समझ रहे हो ना, वो फीलिंग समझ आओ भाई, वो मिस कर रही है अपने जियान चैन को। खैर, जुई को इस तरीके से इमोशनल होता हुआ देखकर घोष के लॉर्ड सोचते हैं कि जियान चैन हमसे बिलोंग नहीं करता है, भले वो कितना भी जीनियस है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो घोस्ट किंग फॉरेस्ट में वापस आने वाला है। इसीलिए वो मनी मन जुई से कहते हैं कि तुम्हें अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब शायद जियान चैन यहाँ कभी नहीं आएगा। इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लिंग विलेज को दिखाया जाता है, जो कि नई जगह एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अब उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी थी। वहाँ पर हम लिंग विलेज के विलेजर्स की लाशें देख पाते हैं। वहाँ पर अब कुछ ही लोग जिंदा बचे थे, जिसमें से अंकल टायजोन उन सभी को लीड कर रहे थे और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है, जो अपने लोगों से इस ग्रुप को खत्म कर देने के लिए कहता है, जो कि ब्लडी मिल मेंशन का लीडर होता है। और वो इन सभी से कहता है कि आज रात की डेट मेरी तरफ से, हम सभी चलकर ब्रोथन में खूब सारा फन करेंगे। अब जिसे भी ब्रोथन का मतलब नहीं पता है, वो इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकता है, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ब्रोथन में चलकर सभी लोग फन करेंगे। इस बात को सुनकर ब्लडी मिल मेंशन के सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन में तो लोगों को मारते थे और रात में लड़कियों के साथ मौज मारने को मिले, इससे बढ़िया जिंदगी उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकती थी। इस चीज को देखते हुए अंकल टायजोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं अपने सभी विलेजर्स से कि तुम लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और फिर उनके साथ मिलकर अंकल टायजोन ब्लडी विल मेंशन के लोगों पर अटैक कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारकर अपने विलेजर्स को बचा सकें। लेकिन अब चूंकि ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड थे और ऊपर से इनकी संख्या भी काफी कम थी, इसीलिए ब्लडी विल मेंशन का जो लीडर होता है वो अपनी शॉट से एक अटैक करता है, जिसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि इन लोगों को काफी दूर कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और एक दो लोग मारे भी जाते हैं। वहीं ये देखकर ब्लडी विल मेंशन का लीडर काफी ज्यादा हंस रहा होता है, लेकिन हमारे लिंग विलेज के विलेजर्स भी कुछ कम नहीं होते हैं। वो अपनी टूटी फूटी हालत में भी उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मरते दम तक फाइट करना चाहते थे। इस पर ब्लडी विल मेंशन का जो लीडर होता है वो अंकल टायजोन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम हार मत जाओ, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम हमारे सामने नहीं जीत सकते हो। इस पर अंकल टायजोन चिल्लाते हुए उससे कहते हैं कि कमीने तू बस वेट कर, जैसे ही जियान चैन वापस आएगा तो वो तेरी मुंडी तेरे धड़ से अलग कर देगा। इस पर वो अब ठाके लगा लगा के हंसने लगता है और कहता है कि जियान चैन वो यहाँ कभी नहीं आने वाला है। और फिर वो उनके सामने एक सच्चाई बताते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें सच पता है, मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि जियान चैन को मैं बाहर निकाल सकूं। तुम लिंग विलेज वालों के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन जियान चैन अभी तक बाहर नहीं आया है। इसका मतलब है कि जियान चैन यहाँ कभी नहीं आने वाला है, वो बहुत बड़ा लूजर है। उसकी बात को सुनकर अंकल टायजोन समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम जियान चैन को बाहर क्यों लाना चाहते हो। अंकल टायजोन के इतने से सवाल करने पर ही ब्लडी विल मेंशन के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शॉट चलाते हुए कहता है कि अब जाकर हेल्प में पूछना कि मैं जियान चैन का क्या करने वाला हूँ। ये देखकर अंकल टायजोन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका अंतिम समय आ चुका है, लेकिन शायद उन्होंने लक बढ़ाने वाली कोई जड़ी बूटी खाई थी, इसीलिए जियान चैन बचाने के लिए वहां आ जाता है और फिर दूर से ही चिल्लाते हुए ब्लडी विल मेंशन के इस लीडर को दूर रहने के लिए कहता है। उसे देखते ही वो उससे पूछता है कि आखिर तू कौन है। इस पर जियान चैन अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए उसके मुंह पे मुक्का मारता है। मुक्का मारते हुए बताता है कि मेरा नाम जियान चैन है। उसके मुक्का इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ब्लडी विल मेंशन का जो लीडर होता है वो जमीन में धस जाता है और वहाँ पर जो शॉक वेव निकलती है उसकी वजह से सभी लोग हिल जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ था कि अंकल टायजोन को कुछ नजर में नहीं आता है और वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ आया कौन है। लेकिन जैसे ही धूल लटती है तो वो जियान चैन को देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और फिर सभी लोग खुश होते हुए जियान चैन के नाम के नारे लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाह, जियान चैन आ गया, अब हम बिल्कुल बच जाएंगे, हमारा विलेज अब पूरे तरीके से सेफ है। जियान चैन को वहाँ इस टाइम पर देखकर अंकल टायजोन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं
और वो ध्यानचंद को बताते हैं कि इन सभी बास्टर्ड ने हमारे लिंग विलेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इन्होंने हमारे कई सारे लोगों को मार डाला और हमारे कई सारे लोगों को कैप्चर कर लिया है। इस पर ध्यानचंद कहता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है, इन्होंने क्या किया और क्या नहीं। और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि जिन्होंने भी मेरे पूरे विलेज को खत्म कर दिया, अब वो नहीं बचेंगे, उन सभी को मरना होगा। ध्यानचंद को अपनी ओर आता हुआ देखकर ब्लडीविल मेंशन के सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं, शायद यही सोचकर कि वो लोग सपना देख रहे हैं और सपने में तो वो ध्यानचंद को हरा ही देंगे। लेकिन ध्यानचंद उन सभी को सपने से बाहर निकालते हुए उन पर अपना स्लैश अटैक करता है और उसका स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उन सभी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उन सभी की लाशें जगह जगह जाकर गिरने लगती हैं। ध्यानचंद ने एक ही बार में ब्लडीविल मेंशन के सभी गार्ड्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके बावजूद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था क्योंकि इन लोगों की वजह से उसने अपने कई सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स को खोया था, यानी कि यहाँ पर जो उसके दोस्त और परिवारजन थे वो काफी लोग मारे गए थे। इसलिए उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका गुस्सा भी शांत नहीं हो रहा था। लेकिन ब्लडीविल मेंशन के लोगों की लाशें देखकर लिंग विलेज के सर्वाइवर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ध्यानचंद की जय जयकार करने लगते हैं। वही अंकल टाइजन जमीन पर बैठे होते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं क्योंकि उनके कई सारे अपने मारे जा चुके थे। इसलिए वो जमीन पर से मिट्टी उठाते हुए उसको आसमान में उछाल देते हैं और अपने मरे हुए क्लैन के लोगों को दिखाते हैं कि देखो ध्यानचंद ने आपका रिवेंज ले लिया है, ध्यानचंद ने उन सभी को मार दिया है जिन सभी की वजह से आपको मरना पड़ा। लेकिन इस पर ध्यानचंद कहता है कि अंकल टाइजन ये अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी खुशी मनाने का टाइम नहीं है क्योंकि अभी भी यहाँ कोई है जो जिंदा है। इतना कहते ही सामने से एक बहुत जोरों की एनर्जी रिलीज होती है और हम देख पाते हैं कि ब्लडीविल मेंशन का लीडर अभी भी सही सलामत और जिंदा होता है। उसे सही सलामत देखकर सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका आखिरी समय आ गया है। और ब्लडीविल मेंशन का लीडर ध्यानचंद से कहता है कि सिंस मैं तुम्हें मारने आया हूँ, इसका मतलब है कि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ किस लेवल पर है, इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अंकल टाइजन ध्यानचंद को केयरफुल रहने का कहते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने सुना है कि ब्लडीविल मेंशन में एक फॉरबिडन मैजिक आर्ट है जो कि ब्लडीविल मेंशन के लोगों को 10 गुना ज्यादा पहले से कॉम्बैट पावर दे देती है, इसीलिए अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इस पर ध्यानचंद अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर ये गधेटा इंसान 100 गुना ज्यादा भी पावरफुल होता तो भी मैं इसे कुत्ते की तरह मारता। ध्यानचंद की इस बात पर ब्लडीविल मेंशन का लीडर हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा अपने आप को इनवेंसिबल समझने की जरूरत नहीं है, हमेशा से ही तुमसे कोई ना कोई स्ट्रॉन्गर जरूर होता है। जितना कहते ही वो अपनी उसी फॉरबिडन मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर एक ब्लड डेमन को सोन कर लेता है जो वहाँ आते ही एक जोर का रोर लगाता है। उसका रोर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि लिंग विलेज के सर्वाइवर्स अंदर से सहम उठते हैं और उनका मनोबल भी पूरी तरीके से टूट जाता है। ये देखते ही अंकल टाइजन उन सभी को हौसला देते हुए कहते हैं कि अगर ध्यानचंद ने हमसे कहा है कि वो इसे हरा सकता है तो हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से ब्लड डेमन को देखते हैं और हाँ, ब्लड डेमन को देखकर उसके मिसिंग पार्ट के बारे में मत पूछना क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गया। ब्लड डेमन को समन करने के बाद हमें इस आदमी का नाम जेंग टियान बताया जाता है, इसीलिए आगे से इसे इसके नाम से बुलाएंगे। ब्लड डेमन को समन करने के बाद जेंग टियान हंसते हुए ध्यानचंद से कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। इस पर ध्यानचंद हंसते हुए कहता है बस इतना ही। ध्यानचंद की मुस्कुराहट को देखकर जेंग टियान के अंदर आग लग जाती है और वो तुरंत ही ब्लड डेमन के जरिए ध्यानचंद पर अटैक कर देता है। इस पर ध्यानचंद अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए उस पर अटैक करते हुए कहता है कुएं के मेंढक ये ले। इतना कहते ही वो अपनी एक स्ट्राइक को उसकी तरफ कर देता है जो कि डेडली स्ट्राइक होती है और हम देखते हैं कि उसका लाल लाल डेमन लाल लाल सेब की तरह दो हिस्सों में कट जाता है जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जेंग टियान दूर जाकर गिरता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। जेंग टियान को फिर से इसी हालत में देखकर लिंग विलेज के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ध्यानचंद को कई लोग अपना मास्टर भी बनाना चाहते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि प्लीज ध्यानचंद मुझे अपना डिसाइपल चुन लो, प्लीज प्लीज प्लीज। और अंकल टाइजन भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि ध्यानचंद उनकी सोच से भी तेज और कम समय में इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब जैसे ही ध्यानचंद जेंग टियान की तरफ बढ़ता है तो ये देखकर जेंग टियान उससे पूछता है कि आखिर तुम किस टाइप के मॉन्स्टर हो, तुमने मेरे इतने पावरफुल फॉरवर्डर मैजिक को इतनी आसानी से तबाह कर दिया जैसे कि मार्शल स्पिरिचुअल रैन के मास्टर को तोड़ने में भी अपनी नानी याद आ जाती है। इसके जवाब में ध्यानचंद कहता है कि अब चुपके तुम मरने वाले हो तो तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। इस पर जेंग टियान उसके पैरों में रोते हुए गिर जाता है और कहता है कि लॉर्ड ध्यानचंद प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मैं दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो आपको बता दूंगा कि वो लोग कौन है और कहाँ है। इस पर ध्यानचंद कहता है कि मुझे कुछ भी जानने के लिए तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी सोल को एब्जॉर्ब करते ही उसे पता चल जाता है कि इसे यहाँ पर भेजा किसने था। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लू फायर सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर हम जूजियांग रेस्टोरेंट में ध्यानचंद को देख पाते हैं जो कि मजे से चाय पी रहा था। तभी उसके पास वाले लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हमने सुना है कि जूजियांग इस समय नया सिटी लॉर्ड बनने वाला है जो कि यहाँ का ग्रैंड कमांडर था। जिस पर वो आदमी अपने दोस्त को चुप कराते हुए कहता है कि चुपचाप बैठ जा, मरवाएगा क्या, यहाँ पर देख यहाँ पर ब्लू फायर सिटी के सोल्जर्स भी हैं
अगर उन्होंने तेरे को सुन लिया तो वो हम सबको मार देंगे। इतना ही नहीं, ध्यानचंद को इन लोगों की बातों से ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ हाउतियन सेक्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हाउतियन सेक्ट इस समय ध्यानचंद को अपना दुश्मन समझ रहा है, जो कि बड़ी अजीब बात है। तभी अचानक से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही ध्यानचंद उस तरफ देखता है तो वो देखता है कि ब्लू फायर आर्मी का एक सोल्जर वहाँ के एक सर्वेंट को परेशान कर रहा था और वो उस पर हाथ भी उठा रहा था। तभी वो सोल्जर उस लड़की से उसके साथ शराब पीने के लिए कहता है, क्योंकि वो लड़की उसे मना कर रही थी क्योंकि वो शराब नहीं पीती थी, जिस पर वो और ज्यादा चिढ़ जाता है। तो ये देखकर उसके जो साथी होते हैं वो उसे चने के झाड़ पे चढ़ाने लगते हैं और वो उस लड़की के बारे में उल्टी सीधे कमेंट करने के साथ साथ उसके साथ फन करने का भी सोच रहे थे। सोल्जर्स को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ बैठे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब से मिलिट्री लीडर सीधू क्वांजुन को अरेस्ट किया गया है तब से इनके रक्षक ही इनके भक्षक बन गए हैं। अब जैसा ही हम जानते हैं कि हमारा ध्यानचंद इन सब से दबने वाला तो है नहीं, इसलिए अपनी शॉट उठाता है और इन लोगों की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर उस लड़की को बालों से पकड़ लेता है और उसे कुतिया कहते हुए उठाने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, जल्दी से इस ड्रिंक को मेरे साथ पियो वरना मैं तुम्हारी बुरी हालत कर दूंगा। तभी उस लड़की का दादाजी वहाँ आ जाता है, मतलब उसकी ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं और उससे प्लीज प्लीज करते हुए छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वैसे भी उसकी गर्दन में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप उसे ड्रिंक पिलाएंगे तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और साथ ही साथ वो कभी गा भी नहीं पाएगी। जिस पर वो उसकी लात मारते हुए कहते हैं कि बुढ़े अपना मुंह बंद कर, अगर इसने आज ये ड्रिंक नहीं पी तो मैं इसका क्या करूंगा ये तू सोच भी नहीं सकता है। इतना कहते ही वो अपनी शॉट को उसके गले पर तान देता है और फिर उस लड़की को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस बुढ़े को कभी देख नहीं पाऊंगी। इस पर वो लड़की मजबूरन उसकी बात मान जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे दादू को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही उस लड़के के अंदर की ठरपना जाग जाता है और वो कहता है कि फिर किस बात की देर है, चलो कमरे में। तभी कोई उससे उसके ब्लू फायर आर्मी के कपड़े उतारने के लिए कहता है। ये बात सुनते ही वो गुस्से में पीछे पलट कर देखता है और कहता है कि आखिर कौन है उल्लू का बट्टा जो मुझे मेरे कपड़े उतारने के लिए कह रहा है। तभी उसकी नजर सामने बैठे ध्यानचंद पर जाती है जो कि स्टाइल में ड्रिंक पी रहा होता है। ये देखकर कहता है कि क्या लड़के, ये तूने कहा था, अगर ये सच में तूने कहा है तो ये ध्यान रखना कि हम ब्लू फायर सिटी से हैं, हम जिसको भी टारगेट कर लेते हैं वो इंसान बचता नहीं है। इस पर ध्यानचंद कहता है दोबारा से कि चल जल्दी कर अपने कपड़े उतार, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। इस पर उस सोल्जर को फील होता है कि शायद ये लड़का उस टाइप के लड़कों में से है जो कि लड़कों को पसंद करते हैं। ये बात सोचते ही वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सामने बैठे लड़के यानी कि ध्यानचंद ने उसे उल्टा सीधा लड़का समझ लिया है, इसीलिए वो गुस्से में ध्यानचंद को मारने के लिए अपनी शॉट से अटैक कर देता है। ये देखकर यहाँ बैठे लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आज एक लड़का फिर से बेवजह मारा जाएगा, लेकिन ध्यानचंद उसकी शॉट को दो उंगलियों से रोक देता है और ड्रिंक पीते हुए उसके हाथ को झटक देता है, इससे वो सोल्जर नीचे गिर जाता है। तो ये देखकर उसके साथ ही उसकी हेल्प करने के लिए आने लगते हैं। इस पर ध्यानचंद सोल्जर की शॉट को ही जमीन में गाड़ते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी इस शॉट से आगे आने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। ध्यानचंद के इस एटीट्यूड को देखकर वो सोल्जर जो जमीन पे पड़ा होता है वो घबरा जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर ध्यानचंद उसके मुंह पे मुक्का मारते हुए कहता है कि मैं वो हूँ जो आज तुझे मारने वाला है। इतना कहते ही वो उसका खेल वहीं खत्म कर देता है, लेकिन इसकी वजह से ध्यानचंद के हाथों पर उसका ब्लड लग जाता है। ये देखकर ध्यानचंद को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं ध्यानचंद, मैंने तुझे मारने के लिए अपने हाथ गंदे किए, ये जिंदगी में पहली बार हुआ है। ध्यानचंद के मुंह से उसका नाम सुनते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ध्यानचंद के आने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों के दिलों में ध्यानचंद की एक रेपुटेशन थी। तभी वो लड़की जैसे ये सोल्जर्स परेशान कर रहे थे वो ध्यानचंद के पास एक कपड़ा लेकर आती है और उसे हाथ साफ करने के लिए कहती है, जिस पर ध्यानचंद उस कपड़े को लेते हुए उसे थैंक यू बोलता है। तभी वो लड़की और उसके दादाजी ध्यानचंद के सामने पैरों में गिर जाते हैं और उसे उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। इस पर ध्यानचंद उन्हें खड़ा करते हुए कहता है कि आप लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए प्लीज खड़े हो जाइए, वैसे भी ये कमीना यही डिजर्व करता था। और फिर इन सोल्जर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने इसे आर्मर उतारने के लिए कहा था, इसने मना कर दिया और ये मारा गया, तो मेरा ख्याल है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनते ही वो सभी घबरा जाते हैं और फटाफट अपना आर्मर उतारने लगते हैं। ये देखकर वहाँ बैठे लोग खुश जाते हैं और ध्यानचंद को ब्लू फायर सिटी का सेवियर बुलाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि वैसे भी आजकल जो ब्लू फायर सिटी में हो रहा है उसका एक कारण ध्यानचंद खुद भी है, अगर वो हाउतियन सेक्ट का साथ न देता तो हाउतियन सेक्ट इस तरीके से ध्यानचंद को साथ न देती और यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशंस पैदा ना होती। इस बात को ध्यानचंद भी अच्छे समझता था, इसीलिए उस आदमी से तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन पीछे बने हुए स्टेज की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर सभी को सॉरी बोलते हुए कहता है कि मेरी वजह से जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स को यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर पूछता है कि क्या आप लोगों में से कोई जानता है कि ध्यानचंद इस समय कहाँ होगा, जिस पर एक आदमी हाथ खड़ा कर देता है
और कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ है, लेकिन क्या सच में तुम उसका सामना कर पाओगे। इस पर ज्यांचन कहता है कि तुम उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस करो इतना कि मुझे बता दो कि वो कहाँ है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तो इस पर वो आदमी ज्यांचन का एटीट्यूड देखकर समझ जाता है कि ये बंदा सीरियस है, इसलिए वो उसे बता देता है कि आज ज्यांचन की ने अपने घर पर पार्टी रखी है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। बर्थडे का सुनकर ज्यांचन कहता है कि लगता है मुझे उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार करना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ बैठे हुए लोगों से पूछता है कि क्या कोई ऐसी शॉप के बारे में जानता है जहाँ कॉफिन मिल सके, क्योंकि आज मैं हमारे लॉर्ड को कॉफिन गिफ्ट करने वाला हूँ। कॉफिन गिफ्ट करने की बात को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ज्यांचन क्या करने का सोच रहा है, इसलिए वो लोग रुपए इकट्ठे करने लगते हैं और डोनेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ बैठे कुछ लोग तो इतने फास्ट होते हैं कि ज्यांचन के मुंह से निकलने के बाद तो वो लोग एक कॉफिन को भी ले आए होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग वहाँ पर पेपर मनी और पेपर काउ भी दे रहे थे। वहीं एक आदमी आता है जो कि बंद पड़ा हुआ टॉयलेट गिफ्ट करता है जिसमें निखर बदबू आ रही होती है। इन लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट को देकर ज्यांचन कहता है कि वाओ, तुम लोग तो ज्यांचन को इसे काफी ज्यादा नफरत करते हो, तो फिर चलो चलकर उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। इस पर वहाँ बैठे हुए सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं, जिसके बाद में सीधे ज्यांचन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी चल रही होती है और लगातार उसके लिए लोग गिफ्ट लाए जा रहे होते हैं और उसे ग्रीट कर रहे होते हैं, जिस पर वो भी सब लोगों को थैंक यू बोल रहा होता है। अब जब सभी मेहमान आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर कुछ मेड आती हैं जो कि अपने साथ खाना लाई होती हैं और फिर सभी लोगों को खाना सर्व किया जाता है। इसके बाद एक आदमी ज्यांचन के बारे में उससे बात करता है और कहता है कि क्या आपको ज्यांचन के बारे में कुछ पता चला है कि वो इस समय कहाँ है। उसने मेरे बेटे के साथ जो भी किया था मैं उसे अभी तक भूला नहीं हूँ। हम देखते हैं कि ये ल्यू फैमिली के पैट्रियार्क रुओ फेंग होते हैं, जिनका बेटा ज्यांचन से पंगा लेने की वजह से मारा गया था। इस पर ज्यांचन की कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि ज्यांचन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और आप उसे जल्द से जल्द मारना चाहते हैं, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हाउ तीन सेट उसके पीछे लगी हुई है और वैसे भी वो हमसे ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा क्योंकि हमने उसकी फैमिली को भी अरेस्ट कर लिया है। उसका इतना ही बोलना था कि हम देखते हैं कि उसके मेन हॉल का गेट कोई लात मारकर तोड़ देता है और उसके सैनिक भी दूर जा गिरते हैं। ये देखते ही वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो यहाँ इस तरीके से अंदर आया है। जिस पर ज्यांचन अंदर आते हुए कहता है कि हे, लगता है तो वह भूलने की बीमारी हो गई है, तो मुझे इतनी जल्दी भूल गए। अचानक से ज्यांचन को वहाँ देखकर सभी को शाम सूंघ जाता है। तभी ज्यांचन ज्यांचन को इसे कहता है कि मैंने सुना आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और फिर वो उस कॉफिन को उसके सामने फेंक देता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। ज्यांचन का गिफ्ट देखकर वहाँ बैठे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन इस पर ज्यांचन भी कहता है कि वैसे तुम ये जो लाए हो गिफ्ट वो थोड़ी देर में तुम्हारे लिए जरूरत पड़ने वाला है। इस पर ज्यांचन कहता है कि मैं अपना दिया हुआ गिफ्ट कभी भी वापस नहीं लेता हूँ और तुम फिक्र मत करो, इसका साइज तुम्हारे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ज्यांचन की बातें सुनने के बाद और उसका गिफ्ट देखने के बाद ज्यांचन की जरा भी गुस्सा नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह लियो रुओफेंग जरूर चिल्लाने लगते हैं और वो गुस्सा करते हुए ज्यांचन से कहते हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम मरना चाहते हो जो हमारे लॉर्ड के बर्थडे पार्टी में इस तरीके की चीजें लेकर आए हो। इस पर ज्यांचन की हंसते हुए उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ आपका ज्यांचन के साथ पुराना हिसाब किताब बाकी है, लेकिन प्लीज इसे मारना मत क्योंकि हाथियन सेट को ये जिंदा चाहिए, बाकी इसके साथ आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस पर वो अपनी सॉर्ड निकालते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। और फिर वो ज्यांचन से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करके आज उसकी हालत बहुत बुरी कर दी है, तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया है मैं तुम्हारे साथ उससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। इस पर ज्यांचन बड़े ही एटीट्यूड में उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा आखिर वो कौन है, एक मिनट तुम कौन हो। ज्यांचन के ऐसा करने की वजह से लियो रुओफेंग कुछ बोल भी नहीं पाता है, लेकिन बस दांत पीसते रह जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि वाकई ज्यांचन तो दूसरे की इंसल्ट करने में मास्टर है। और एक बंदा कहता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, इसने ऐसे बेइज्जती की है कि जैसे कि इसके पास पता नहीं कितने सारे एनिमीज हो और इसीलिए इसे इसके बारे में याद नहीं है। तो इस पर दूसरा बंदा कहता है कि वाकई ज्यांचन तो इंसल्ट करने के मामले में मास्टर है। इसी तरीके से एक एक करके जो लोग ज्यांचन के साथ आए हुए थे वो ज्यांचन की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि ज्यांचन ने अभी जो लियो की बेइज्जती की थी वो एक्सट्रीम थी। इस बात को देखकर लियो एकदम पगला जाता है और वो अपनी सॉर्ड निकालते हुए ज्यांचन पर अटैक करते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। इतना कहते ही वो अपनी सॉर्ड से ज्यांचन पर अटैक कर देता है। तो ये देखते हुए ज्यांचन भी अपना पंच रेडी कर लेता है और कहता है कि तुम जैसे बेकार कचरे को मारने के लिए मुझे अपनी सॉर्ड निकालने की भी जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वो अपने पंच को उसकी सॉर्ड के साथ टकरा देता है। उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि लियो की सॉर्ड चकनाचूर हो जाती है और ये देखते ही वो हैरान हो जाता है, लेकिन वो कुछ और रिएक्ट करे उससे पहले ज्यांचन का वो पंच आकर लियो को लग जाता है, जिसकी वजह से लियो दूर जा गिरता है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। और वो मरते हुए कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरी मौत इस तरीके से हो रही है। इसी के साथ
उसका भी खेल खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं कि ज़ियानचेन ने ज़ेनमू रियल्म के फोर्थ ग्रेड के मास्टर को आसानी से मार दिया। लगता है कि वो ज़ीचुनगुई को भी आसानी से मार देगा क्योंकि वो भी ज़ेनमू रियल्म के सिक्स ग्रेड पर है। अब ज़ियानचेन ज़ीचुनगुई से कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कॉफिन तैयार करके रख दिया है, कोई और इसमें घुस जाए उससे पहले ही चुपचाप आकर इसमें घुस जाओ। इस पर ज़ीचुनगुई अपनी पावर से अपीयर करते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने फोर्थ ग्रेड के ज़ेनमू रियल्म के मास्टर को मार दिया है तो क्या मुझे भी आसानी से मार लोगे। इतना कहते ही वो अपनी पावर को एनहेंस करने लगता है और फोर्सफुली वो इस समय ज़ेनमू रियल्म के नाइन्थ ग्रेड तक पहुँच जाता है। ये देखकर कुछ लोग कहते हैं कि लगता है ज़ियानचेन के लिए मुसीबत होने वाली है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते क्योंकि हमने बड़ी मुश्किल से ही अपने क्राउड फंडिंग करके हमने कॉफिन, पेपर मनी और पेपर गोल्ड तैयार किया है। इसके अलावा टॉयलेट भी तो बाकी है जिसमें ज़ीचुनगुई को डुबो डुबो के मारना है। अब जैसे ही ज़ीचुनगुई अपनी पावर्स को फोर्सफुली एनहांस कर लेता है तो ये देखकर ज़ियानचेन भी अपनी सॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन लेवल को फोर्सफुली अप किया है, उसके बावजूद भी तुम कितने मजे में प्राउड कर रहे हो खुद पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज समय दिखाऊंगा कि रियल स्ट्रांग मास्टर क्या होता है। इस पर ज़ीचुनगुई ज़ियानचेन को गाली देते हुए कहता है कमीने बस तू देखता जा, मैं तुझे कैसे अपने सिंगल पंच में ही खत्म कर दूंगा। और फिर वो अपने वाटर ड्रैगन पंच के साथ ज़ियानचेन पर अटैक कर देता है। ये देखते ही ज़ियानचेन भी मुस्कुराता है और कहता है अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही ठीक है, चलो तुम्हें इसी तरीके से खत्म करते हैं। और फिर वो ड्रैगन स्लिंग स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए उस पर एक स्लैश मार देता है जिसकी वजह से वाटर ड्रैगन पल भर में ही खत्म हो जाता है। और फिर ज़ियानचेन उसे मौका न देते हुए सीधे उस पर अटैक कर देता है और एक स्ट्राइक करते हुए उसे नीचे गिरा देता है जिसकी वजह से ज़ीचुनगुई काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर सभी लोग जीत के नारे लगाने लगते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ये आदमी एक छोटी सी फैमिली से है। तभी एक आदमी भागता हुआ उनके बीच से बाहर आता है और कहता है कि मैं इसे ऐसे ही होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और फिर वो ज़ियानचेन के पास जाकर उसे कॉफिन के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि तुम तो भूल ही गए हो कि हमारे पास कॉफिन, पेपर मनी और पेपर गोल्ड के साथ साथ वो टॉयलेट भी है। इस पर ज़ियानचेन मुस्कुराते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, मैं वो भी करने वाला हूँ। ये देखकर ज़ीचुनगुई तो घबरा जाता है कि पता नहीं ज़ियानचेन उसके साथ क्या करेगा। तभी ज़ियानचेन उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे उठाकर सीधे उस टॉयलेट में फेंक देता है और ये काफी डिस्गस्टिंग होता है। और इसी के साथ वो उसे लात मारते हुए कॉफिन के अंदर फेंक देता है क्योंकि वो इस गंदे इंसान को टच करने की गलती नहीं कर सकता था। अब इसके बाद ज़ीचुनगुई अपने सिर के ऊपर से वो टॉयलेट हटाते हुए ज़ियानचेन से कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कुछ दिन पहले तो तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते थे और अब तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए हो। इस पर ज़ियानचेन कहता है कि जब हाथी इंसेक्ट ने तुम्हें मुझे हंट करने का मिशन दिया था तब उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैंने ली युनफेंग को मारा था जो कि तुम्हारे यहाँ का टॉप जीनियस था। इस पर ज़ीचुनगुई परेशान होते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो तो हमारे मार्शल पीक का मार्शल स्पिरिचुअल रियल्म का सबसे पावरफुल वॉरियर था। इस पर ज़ियानचेन उसे अपडेट करते हुए कहता है कि शायद तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, वो मार्शल स्पिरिचुअल रियल्म को ब्रेक थ्रू करके एक मार्शल किंग बन गया था लेकिन इसके बावजूद भी वो मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाया। इस बात को सुनते ही ज़ीचुनगुई पसीने में नहा जाता है और उसकी धड़कन जोरों से धड़कने लगती है और वो डरते हुए ज़ियानचेन से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे हमेशा लॉयल रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस प्लीज मुझे मारना मत, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। इस पर ज़ियानचेन कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर अगले जन्म में इस तरीके की कोई भी गलती मत करना। यही कहते हुए वो उस पर एक स्ट्राइक कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है और मरते हुए भी वो बस यही कह रहा था कि मैं तो बस ब्लू फायर सिटी पे रूल करना चाहता था और एक लग्जूरियस लाइफ को जीना चाहता था, मैं इतनी जल्दी मर रहा हूँ मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब देख रहे हो बंदे को अभी भी अपनी अय्याशी की पड़ी है, मर रहा है लेकिन अय्याशी करनी है इसको। अब ज़ियानचेन सभी को वार्न करते हुए कहता है कि जब तक यहाँ के असली रूलर वापस ना आ जाए तब तक कोई भी किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगा और अगर किसी ने भी सिविलियंस को बुली करने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ज़ियानचेन ने वहाँ पार्टी में आए हुए सभी लोगों को मारकर खंभों से टांग दिया होता है। ये देखकर एक बंदा दूसरे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हाउथियन सेक्ट इसे हंट कर पाएगी या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो इसे हंट कर पाएंगी। इस पर दूसरा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हंट करने की बात रही तो वो तो हंट कभी नहीं कर पाएंगे और मुझे लगता है कि ज़ियानचेन आज नहीं तो कल खुद ही जाकर इस मैटर को सॉल्व कर देगा। इसके बाद अब ज़ियानचेन वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए सोचता है कि हाउथी इंसेक्ट में लगता है कोई नया पैट्रियार्क आ गया है जिसने मेरे सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है, मुझे जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर किसी ने वहाँ पर कंट्रोल किया है तो इसका मतलब वो इतना ज्यादा पावरफुल तो होगा ही कि मुझे टक्कर दे सके, इसलिए वो सोचता है कि उसे थोड़ा शांत रहकर अपनी पावर को यानी कि अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहिए। यही सोचते हुए वो अभी के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें हाउथी इंसेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर हम टू क्वांटाओ नाम के एक आदमी को देखते हैं
जो कि यहाँ का नया ग्रैंड एल्डर होता है। जिसे ज़ियानचेन ने क्या किया है इस बारे में पूरी खबर मिल चुकी होती है, इसलिए वो ज़ियानचेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। इस पर उसका जो चमचा होता है वो उसे शांत करता है और वो कहता है कि मैंने लिंग विलेज के सभी मेंबर्स के साथ साथ सीतु कांजन और हाथी इंसेक्ट में ज़ियानचेन के जितने फ्रेंड्स हैं और वहाँ के जो फॉर्मल लीडर है उनमें पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। इसके बावजूद भी हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए और आज नहीं तो कल वो हम तक जरूर पहुँच जाएगा। इस पर क्वांडाओ किसी न किसी को भेजने के लिए कहता है ताकि हेनहाओ और ओयुंग को टॉर्चर करके एट्रिक्सिया फार्मूला के कम्प्लीट वर्जन को हासिल किया जा सके। इस पर वो यस ग्रैंड एल्डर कहते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें घोस्ट किंग पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ियानचेन घोस्ट किंग लॉर्ड से मिलने आया होता है और उसे देखकर घोस्ट किंग लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें जब जुई देखेगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। इस पर ज़ियानचेन कहता है कि मैं 18 लेवल्स ऑफ हेल में एंटर करना चाहता हूँ। इस पर घोस्ट किंग लॉर्ड कहते हैं कि आखिर तुम उसमें एंटर करना क्यों चाहते हो, भले ही वो कल्टीवेशन के लिए सबसे बेस्ट हो लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। इस पर ज़ियानचेन उन्हें सब कुछ बताते हुए कहता है कि हाथी इंसेक्ट के नए लीडर ने मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे पूरे गाँव वालों को किडनैप कर लिया है और मुझे जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा। ज़ियानचेन की बात को सुनकर घोस्ट किंग लॉर्ड तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि वैसे तो हमारे क्लैन के रूल्स के हिसाब से 30 सालों में सिर्फ एक ही बार हेल को ओपन किया जाता है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, मेरी बेटी की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी हर प्रकार की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ज़ियानचेन उनकी काइंडनेस के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है तो वो तुरंत ही ज़ियानचेन को वहाँ चलने के लिए कहते हैं ताकि ज़ियानचेन को और ज्यादा देर ना हो। इस पर ज़ियानचेन उनके पीछे पीछे जाने लगता है और मन ही मन उनको थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आपके इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। इसके साथ ही ये सीन ही कट जाता है। अगले सीन में हमें 18 लेवल्स ऑफ हेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जुई ज़ियानचेन के अलावा कई सारे लोग और भी आ चुके थे। इस पर ज़ियानचेन को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इस पर जुई उसे बताती है कि दरअसल तुमने टाइम से पहले ही फादर से रिक्वेस्ट करके 18 लेवल ऑफ हेल्स को खुलवाया है, इसलिए हमारे यहाँ की सभी फैमिलीज ने अपने अपने इलाइट मेंबर्स को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा है ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इसका बुरा नहीं लगेगा। इस पर ज़ियानचेन उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि बेवकूफ लड़की, मैं इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होता हूँ और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि 18 लेवल ऑफ हेल्थ तुम्हारे क्लैन के कल्टीवेशन के लिए किसी ट्रेजर आइलैंड से कम नहीं है और आउटसाइडर होने के बावजूद भी मैं वहाँ जा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। इस पर जुई उसे चिपकते हुए कहती है, ज़ियानचेन तुम कोई आउटसाइडर थोड़ी हो। अब वो जिस तरीके से कहती है वो देखकर तो सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं और हम देखते हैं कि लोग बात करने लगते हैं कि प्रिंस जुई काफी ज्यादा बुरी है, वो एक आउटसाइडर के गले कैसे लग सकती है। यही सब देखते हुए ज़ियानचेन घबरा जाता है और वो जुई से कहता है कि शायद जुई तुम कुछ ज्यादा ही पास चिपक रही हो, मुझे लगता है कि लोग इससे खुश नहीं है, तुम मेरे इतने क्लूज बताया करो। इस पर वो कहती है मुझे कोई मतलब नहीं है लोगों से, मैं लोगों की जरा परवाह नहीं करती हूँ। इस पर ज़ियानचेन कहता है ठीक है और फिर सोचता है कि ये लोग अंदर जाने के बाद जरूर मुझसे इस बात का बदला लेंगे, लेकिन उसे इस बात की कुछ खास चिंता नहीं थी इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। इसके बाद ज़ियानचेन अपने पास से एक बुक निकाल कर देता है जो कि नाइनियन मिस्टीरियस कल्टीवेशन मेथड की बुक होती है और वो जुई को देते हुए कहता है कि तुम्हें इसके हिसाब से कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि तुम जल्द से जल्द और ज्यादा पावरफुल बन जाओ। ये देखकर वो खुश जाती है और कहती है कि वो डेफिनेटली इससे हार्ड प्रैक्टिस करेगी। इसके बाद वहाँ अब होस्टिंग लॉर्ड भी आ जाते हैं और वहाँ सभी लोगों को रेडी हुआ देखकर वो सभी को अनाउंस करते हुए बताते हैं कि वो 18 लेवल्स ऑफ हेल्स के एंट्रेंस को खोलने वाले हैं और फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए 18 लेवल ऑफ हेल्स के गेट को ओपन कर देते हैं और फिर वो सभी लोगों से कहते हैं कि अंदर कई सारे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कई सारे खतरे भी होंगे, तो तुम सभी को एक दूसरे का सहारा बनना है न कि एक दूसरे का दुश्मन। इस पर सभी लोग अंदर जाते हुए उनको ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि लॉर्ड आपने जैसा ऑर्डर दिया है सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से ही होगा। और जब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं तो ये देखकर जुई ज़ियानचेन को केयरफुल रहने का कहती है। इस पर ज़ियानचेन भी उसे फिक्र न करने के लिए कहता है और कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। इसके बाद ये सभी लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं तो कोस्टिंग लॉर्ड जुई से पूछते हैं कि ज़ियानचेन अपने एडवेंचर पर गया है लेकिन तुम उसके लिए परेशान होने की जगह इतनी खुश क्यों हो। तो इस पर वो बताती है कि फादर, ज़ियानचेन ने मुझे कल्टीवेशन मेथड की बुक दी है। इस पर वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी 9-in बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल है और कोई भी नॉर्मल कल्टीवेशन मेथड इस पर सूट नहीं करेगा, चाहे ज़ियानचेन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो फिर भी वो काफी यंग है और वैसे भी उसके पास इतने रिसोर्सेज अभी नहीं होंगे जो तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन मेथड भी बता सके। जिस पर वो कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ज़ियानचेन का लेवल क्या है, ये चीज ज़ियानचेन ने मुझे दी है और बस मैं इसी से काफी खुश हूँ। तो इस पर वो कहते हैं कि चलो दिखाओ कि ज़ियानचेन ने तुम्हें किस तरीके की टेक्निक दी है, मैं भी तो देखूं कहीं तुम्हारे लिए कोई डेंजरस टेक्निक तो नहीं है। जिस पर वो कहती है कि फादर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं और वैसे भी ज़ियानचेन ने ये स्पेशली मुझे लिए प्रिपेयर की है तो जरूर कुछ स्पेशल ही होगा। जिस पर वो कहते हैं
कि चलो ठीक है लाओ देखता हूँ। और फिर वो उसे लेकर उस कल्टीवेशन मेथड की बुक को देखने लगते हैं और फिर उसे देखते हुए थोड़ा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ज़ियानचंद के पास 9 ग्रेड कल्टीवेशन मेथड की बुक कहाँ से आई। और फिर शॉक होते हुए 18 लेवल्स ऑफ हेल की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि ज़ियानचंद के अंदर काफी सारे सीक्रेट्स हैं, ये इंसान तो मेरी सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसके बाद अचानक से ये सीन शिफ्ट करके हमें ज़ियानचंद को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ चल रहे जूली से कहता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ तो तुम क्या यहाँ के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। जिस पर उसे बताना शुरू करता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने का मेथड सबसे ज्यादा आसान है, यहाँ पर तुम्हें डीमंस को हंट करना होगा और उनके साथ हुई फाइटिंग की वजह से तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। न सिर्फ फाइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी बल्कि उनकी हंटिंग करने के बाद तुम्हें हेल्थ पावर भी मिलती है जो कि प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो कि बिना किसी रिफाइनिंग के ही तुम्हें अब्सॉर्ब करनी होती है, जिससे कि तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड काफी ज्यादा एनहेंस हो जाता है। इस पर ज़ियानचंद कहता है कि वाओ यहाँ पर सच में इस तरीके की एनर्जी है। इस पर चूली कहता है कि ज़ियानचंद मेरे ओपिनियन में तुम्हें उन डीमंस के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि तुम्हें चिंता हमारे क्लैन के उन इलाइट मेंबर से करनी चाहिए जो कि तुम्हारे और प्रिंसेस जुई के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ज़ियानचंद की बुरी किस्मत कि चूली के भूलते ही वहाँ पर उन इलाइट मेंबर्स में से एक आदमी आ जाता है और वो ज़ियानचंद के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ज़ियानचंद उसको देखकर पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो इस पर वो अपना नाम सॉन्ग हॉन्गली बताते हुए कहता है कि तुम आगे से प्रिंसेस जुई के आसपास ही मत दिख जाना क्योंकि अगर तुम मुझे फ्यूचर में उनके आसपास भी दिख गए तो मैं तुम्हें वहीं कूट डालूंगा। और फिर वहां से जाते हुए कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो इस पर ज़ियानचंद कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहीं के राजा हो जो मुझे इस तरीके से धमकी देकर जा रहे हो। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और ज़ियानचंद की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। ज़ियानचंद ने उसकी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी थी। ये देखते ही आसपास के लोग सॉन्ग हॉन्गली को उकसाना शुरू कर देते हैं। इसे देखते ही चूली टेंशन में आ जाता है क्योंकि सॉन्ग हॉन्गली की स्ट्रेंथ इस समय क्विंटियान से भी ज्यादा थी, इसीलिए उसे लगता है कि ज़ियानचंद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस पर क्विंटियान कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि सॉन्ग हॉन्गली मुझसे ज्यादा पावरफुल है लेकिन इसके साथ ही वो एक गुस्सा सांड भी है और ज़ियानचंद ने उसे गुस्सा दिलाकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ से अपने पैरों पर चलकर वापस भी जा पाएगा। वही सॉन्ग हॉन्गली ज़ियानचंद से कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा गट्स हैं, मुझसे काफी लंबे समय बाद किसी ने इस तरीके से बात की है। तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा लेकिन अब तुम्हारी इस लैंड में ये ट्रिप यहीं खत्म होती है। इसी के साथ वो ज़ियानचंद को एक जोरदार पंच मारता है। ये देखकर चूली तुरंत ही ज़ियानचंद को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है लेकिन क्विंटियान उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें उनके बीच नहीं जाना चाहिए, ये इनका प्राइवेट मैटर है, ये लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। इस पर चूली उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घोस्टनी लॉर्ड ने यहाँ का एंट्रेंस स्पेशली ज़ियानचंद के लिए खोला है जिसकी वजह से ही हम भी यहाँ पर आ पाए हैं, इसके बावजूद भी तुम उसे टारगेट कर रहे हो। तो इस पे क्विंटियान अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उसने खुद ही सॉन्ग हॉन्गली को गुस्सा दिलाकर अपनी मौत को दावत दी है, इसीलिए तुम इसका बिल मुझ पर फाड़ना बंद करो। तभी एक जोरदार आवाज आती है और ये लोग देखते हैं कि सॉन्ग हॉन्गली के पंच को ज़ियानचंद ने बड़ी आसानी से रोक लिया था और वो कहता है कि तुम तो एक चींटी की तरह काफी ज्यादा वीक हो, मुझे तो लगा था कि तुम्हें थोड़ी तो पावर होगी। ये देखकर सॉन्ग हॉन्गली टेंशन में जाता है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुमने मेरे पंच को इतनी आसानी से कैसे रेजिस्ट कर लिया, तुम्हारी तो लेवल भी मुझसे कम है तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। इस पर ज़ियानचंद उसके हाथ को खींचते हुए उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारते हुए कहता है क्योंकि असल में मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। और किक खाने के बाद सॉन्ग हॉन्गली दूर जा गिरता है और ज़ियानचंद उसे वार्न करते हुए कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें घोस्टिंग लॉर्ड की वजह से छोड़ दिया है लेकिन याद रखना अगर तुमने मुझे अगली बार परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर ताली बजाते हुए कोई आता है जिसके साथ ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।